वेलकम टू एबीसी कैंपस सब्जेक्ट इज कैफ सी बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर पार्टनरशिप एक्ट वीडियो नंबर नाइन ऑन ऑफ पार्टनर एंड फर्म फ्रॉम आई कैफ स्टडी टेस्टी ट्वेंटी एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदेरी सो इसके अंदर हम नाइन डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे uh, जिसमें लाइबिलिटीज भी हैं और इफेक्ट ऑफ सर्टन एक्शन भी है जिसमें इफेक्ट ऑफ एडमिशन एंड नोटिस को भी डिस्कस करेंगे तो लाइबिलिटीज को जब डिस्कस करना है तो हमारा इस टॉपिक को पढ़ते हुए फोकस क्या होना चाहिए फोकस ये होना चाहिए कि किन सिचुएशन में पार्टनर लाइबल होगा और किन सिचुएशन में फर्म लाइबल होगी वंस अगेन याद रखना है कि फर्म लाइबल होने का मतलब है कि ऑल द पार्टनर्स और जब एक इंडिविजुअल पार्टनर की बात करेंगे तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात हो रही होगी एक सिंगल पार्टनर जो उसमें इन्वॉल्व होगा सो so, इस टॉपिक में हमारा जो कॉन्सेप्चुअल फोकस होगा वो ये देखना होगा कि किस सिचुएशन में एक इंडिविजुअल पार्टनर लाइबल है और किस सिचुएशन में तमाम पार्टनर्स लाइबल हैं। सो पहला पॉइंट है जी हमारे पास लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ अ फर्म जो चीज़ें एक्ट्स ऑफ अ फर्म कंसीडर होती हैं उसमें फर्म ही लाइबल होती है तो इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनर लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म द सेम मस्ट हैव बीन डन ही वाज अ पार्टनर तो अगर एक शख्स रिटायर हो चुका था उसने उसका प्रॉपर पब्लिक नोटिस दे दिया था तो वो लाइबल नहीं होगा फिर एक्ट ऑफ फर्म के लिए इसी तरह एक शख्स जब पार्टनर नहीं बना था तब का कोई एक्ट ऑफ फर्म है तो वो उसके लिए भी लाइबल नहीं है तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज बोथ ज्वाइंट एंड सेवरल ज्वाइंट एंड सेवरल का कॉन्सेप्ट ये है कि थर्ड पार्टी सारे पार्टनर्स पर मिलकर भी केस कर सकती है और किसी एक पर केस फाइल करके उससे भी सारे पैसे रिकवर कर सकती है सो दैट द क्रेटर मे कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर टू डिस्चार्ज द होल ऑफ द डेट्स ऑफ द फंड हम यहां पर एक सिनेरियो देखेंगे बाबर सलीम एंड दाऊद आर इन पार्टनरशिप बाबर परचेज इक्विपमेंट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस the equipment itself cost rs 20000 and the installation cost were rs 15000 there is dispute with the supplier and the firm refuses to pay the installation cost then equipment key cost per dispute the supplier decide to sue for the unpaid rs 15000 अब अगर सप्लायर सक्सीड हो जाता है यानी वो एक्शन uh, लाता है फिफ्टीन थाउजेंड का कोर्ट के थ्रू और फिर uh, जो है साबित हो जाता है कि पे करने चाहिए तो ऑल द पार्टनर्स विल बी लाइबल यानी फर्म वुड बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर फिफ्टीन थाउजेंड लाइबिलिटी अब डिस्प्यूट अगर कोर्ट में जाता है तो उसके लिए भी इतना पॉइंट हमें डिस्कस करने होंगे कि सप्लायर के पास ऑप्शन क्या है तो सप्लायर के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो तीनों पार्टनर्स पे ज्वाइंटली एक केस फाइल कर दे या फिर वो उनमें से किसी एक पार्टनर पे केस फाइल करे किसी पे भी कर सकता है बाबर पे सलीम पर या दाऊद पर और लेट्स से कि अगर वो चूज करता है कि बाबर पर केस करे तो बाबर को पैसे देने पड़ जाएंगे सप्लायर और बाद में जो सलीम और दाऊद हैं वो बाबर को जो शेयर है वो देंगे सो दैट्स हाउ द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर वुड वर्क फॉर एक्स ऑफ अ फंड सेकेंड पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर सो पार्टनर अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो फर्म की लाइबिलिटी क्या होगी तो अगर तो वो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में विद एक्चुअल और अपेरेंट अथॉरिटी के काम हुआ है तो फिर तो फर्म लाइबल होगी फर्म को थर्ड पार्टी को पे करना होगा लेकिन फिर वो उस पार्टनर से जो बाकी पार्टनर हैं वो जो नुकसान हुआ है वो क्लेम कर सकते हैं वेयर बाय द रोंगफफुल एक्ट

सेम मस्ट बॉन्ड बाय द पार्टनर कमिटिंग द फ्रॉड एंड कैन नॉट बी शेयर ऑल द पार्टनर तो ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी को तो पूरी फर्म को पैसे देने पड़ेंगे बाद में जिस पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया था वो अपने को पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा तो अल्टीमेटली लॉस वही बियर कर रहा होगा जिसने गलत काम किया होगा तो यहां पर हम एक सीनैरियो देखते हैं एस बी एम क्यू इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच शबीर बशीर मुनीर एंड कदीर आर पार्टनर शबीर द ओनली एक्टिव पार्टनर नोइंग द गुड्स वर स्टोलन वन परचेज एंड सोल्ड दैम इन द नेम ऑफ द फर्म तो अगर ये वैसे क्राइम भी होता है कि अगर आपको पता है कि कुछ चीजें जो हैं वो चोरीशुदा हैं और उनमें डील करना ये वैसे भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है तो इलीगल है तो जो फिर ट्रू ऑनर होगा वो फिर आपसे पैसे क्लेम कर सकता है उस चीज के तो अब लाइबल कौन होगा इस सिचुएशन में तो लाइबल क्या होगा जी ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग स्लीपिंग पार्टनर्स यानी फर्म आर लाइबल टू द ऑनर ऑफ गुड्स फॉर द टॉट ऑफ कन्वर्जन टॉट ऑफ कन्वर्जन मीन्स के जो गुड्स थी उनको कैश में कन्वर्ट किया आ, और अनलॉफुल किया हां बाद में ये है कि जो थ्री पार्टनर्स हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं थे इस काम में शबीर इज लाइबल टू कंपनसेट दो पार्टनर लेकिन ये सेकेंड होगा पहली बात तो यह थर्ड पार्टी को सब लाइबल होंगे ऐसा फिर सेकंड में पार्टनर्स आपस में सेटल कर सकते थर्ड पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर तो अगर किसी और के पैसों को एक पार्टनर मिस अप्लाई कर लेता है सही इस्तेमाल नहीं करता अपने पर्सनल खर्चे में ले आता है तो फिर कौन लाइबल होगा अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाई अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड द सेम इज मिस एप्लाइड बाई एनी ऑफ द पार्टनर वाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस सो लायबल कौन है जी फर्म लायबल है तो हमारे पास सीनेरियो है आर बासित एंड कासिम आर पार्टनर्स इन एन इंस्टॉलमेंट सेल्स बिजनेस आरिफ आस्क वन ऑफ द कस्टमर टू डिपॉजिट एट सिक्योरिटी वर्थ रूपीज वन लैक इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स सबसिक्वेंटली आरिफ मिस एप्रोप्रिएटेड द सिक्योरिटी अच्छा अब ये देखें इंस्टॉलमेंट के लिए ही चीज़ ली गई है तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली रूल अप्लाई हो रहा है सब्सिक्वेंटली आरिफ मिस एप्रोप्रिएटेड द सिक्योरिटी एंड एप्सकॉन्डेड फरार हो गया तो द अदर पार्टनर्स विल बी लाएबल इनफैक्ट होल फर्म इज लाएबल लेकिन एक पार्टनर जो भाग गया है तो बाकी पार्टनर्स पर भी केस करके पैसे रिकवर किए जा सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो एंड सेवरल होती है तो ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल से एक भाग गया तो बाकियों पर भी केस करके पैसे रिकवर किए जा सकते हैं लाइबिलिटी टू इंडेमनीफाइफ फॉर विलफुल निगलेक्ट तो हर पार्टनर की ये लाइबिलिटी होती है कि अगर कोई वो विलफुल निगलेक्ट करता है और उसकी वजह से फर्म को लॉस होता है तो उसने अपने को पार्टनर्स को कंपनसेट करना है सो एवरी पार्टनर इज अंडर अटी टू इंडेमनी द फर्म फॉर एनी लॉस कास्टेड टू हिज बाई हिजुल निगलेक्ट उस इंडिविजुअल की विलफुल निगलेक्ट की वजह से विफुल निगलेक्ट क्या फेलियर टू परफॉर्म अ ड्यूटी पार्टनर शुड हैव डन इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो यहां पर हम स्नैरियो देखते हैं हबीब एंड तनवीर आर पार्टनर इन अ फार्म हबीब वॉज इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग इन्वेंट्री लेवल टू अवॉइड स्टॉक शॉर्टेजेस ऑन वीकली बेसिस तो ये उसका काम था उसे करना चाहिए था हबीब निग्लेक्टेड द वर्क फॉर मेनी मंथ्स ड्यू टू विच द फर्म सफर्ड द लॉस हबीब मस्ट कंपनसेट द फर्म तो यहां पर इंडिविजुअल पार्टनर जो इन डिफॉल्ट है वो अल्टीमेटली लाइबल है और वो अपने को पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा एक एक पार्टनर के बिलफुल निग्लेक्ट की वजह से पूरी फर्म जो है वो लॉस को बेयर नहीं करेगी फिफ्थ सिचुएशन है लाइबिलिटी टू शेयर लॉसेस तो पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि वो कंट्रीब्यूट करें द लॉसिज में अनलेस uh, जो है एग्रीड अदरवाइज तो एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इम्प्लाय एग्रीमेंट टू शेयर लॉसिज ऑल तो अगर कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं हुआ कि एक पार्टनर पार्टनर इन प्रॉफिट ऑनली है तो फिर यह इंप्लायड एग्रीमेंट होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही लॉस की शेयरिंग रेशो है तो so, हमारे पास स्नैरियो है एग्जाम्पल नाइनटी वन अदील एंड काशिफ आर पार्टनर इन अफर्म द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर दैट दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ थ्री टू बट देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ लॉस शेयरिंग ऑफ लॉस का जिक्र नहीं है तो फिर इंप्लाइड है कि जो रेशो प्रॉफिट की होगी वही रेशो लॉस की होगी सिक्स पॉइंट है जी हमारे पास लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट तो अगर एक पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट ऑप्टेन किया है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर जिसमें उसने पार्टनरशिप को यूज किया या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को यूज किया या पार्टनरशिप के नेम को यूज किया या पार्टनरशिप के बिजनेस कनेक्शंस को यूज किया तो इस सब में जो वो प्रॉफिट अर्न करता है और वो सीक्रेट प्रॉफिट है सीक्रेट से मुराद ये कि अदर पार्टनर्स की नॉलेज के बगैर अगर तो वो बाकी पार्टनर्स की इजाजत के साथ ऐसा कोई प्रॉफिट Uh, रखता है तो वो तो रख सकता है फिर तो वो सब एग्री कर रहे हैं लेकिन जहां पर एग्री नहीं कर रहे तो फिर उसे उसका हिसाब भी देना होगा और वो प्रॉफिट भी uh, फर्म को देना होगा तो यहां पर हम स्नैरियो देखते हैं टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप द पार्टनरशिप परचेज इन एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग थर्टी इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर दैट द इक्विपमेंट हैचेज बाई टॉम फॉर रुपीज एंड टॉम हैड रीसोल्ड इट टू दार्टनरशिप विदाउट रिवीलिंग सीक्रेट That he was the owner of the property. In this case, since the other partner did not know that Tom had made a personal profit from the transaction with the partnership, he can claim successfully that Tom should hand over to the partnership the 12,000 profit that he made, Jenny 30,000 or 18,000 difference. Now, there is an alternative scenario that if the partner has informed the partner, agree agreed to the consent. Di hoti, इफ टॉम हैड इन्फॉर्म जेरी इन एडवांस दैट ही वॉज द ऑनर ऑफ द इक्विपमेंट एंड इंटेंडेड टू कीप द हिमसेल्फ तो इन्फॉर्म कर दिया एंड इफ जेरी एग्री टू दिस और दूसरे पार्टनर ने कॉन्सेंट भी दे दी टॉम वुड है प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ देन ही कैन कीप लिटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस अच्छा इसमें बेसिक रूल ये है कि पार्टनरशिप में होते हुए कंपीटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए अगर करना भी है तो दूसरे पार्टनर्स की कॉन्सेंट के साथ करना कर सकते हैं और फिर उसके प्रॉफिट भी रख सकते हैं अगर दूसरे पार्टनर्स को एतराज़ नहीं है और वो कॉन्सेंट दे देते दे हैं तो देन ऑल इज़ फाइन लेकिन अगर आप उनकी इजाज़त के बगैर कंपीटिंग बिजनेस करते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है सो यू हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द प्रॉफिट एंड यू हैव टू हैंड ओवर द प्रॉफिट ऑफ दैट कंपीटिंग बिजनेस टू योर पार्टनर्स सो हमारे पास जो सिनेरियो है आज़म बाबर यासिर एंड जाहिद

एक्सेप्ट कर लेना किसी एक्ट को एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द द फर्म इफ फॉलोइंग दू कंडीशन वन सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अफेयर टू सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड इन द दर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो अगर ये दो कंडीशन मीट होती हैं तो एक पार्टनर की तरफ से जो एडमिट की करेगा वो कोई बात या कोई रिप्रेजेंटेशन देगा तो वो फर्म के अगेंस्ट एविडेंस कंसीडर किया जा सकता है इस पर हमारे सामने एग्जाम्पल है वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एक्स वाई फर्म एडमिटेड इन कोर्ट दैट द फर्म हैज बीन इन्वॉल्व इन टैक्स इवेजन के टैक्स की चोरी कर रहे थे सच एडमिशन बाय वन पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म यानी पूरी फर्म लायबल है अब एक पार्टनर ने एडमिट कर लिया कि हाँ जी हम लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे तो समझा जाएगा कि तमाम पार्टनर्स ने ये एडमिट कर लिया है कि वो अपने बिजनेस के अंदर टैक्स इवेजन के अंदर इन्वॉल्व थे और जो लीगल पेनल्टीज और प्रोसीजर फिर बनेगा वो सबको फेस करना पड़ेगा हमारा लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर तो अगर किसी लीगल मामले में आपने नोटिस देना होता है तो क्या सारे पार्टनर्स को नोटिस देना होगा अक्सर ऐसा नहीं किया जाता पार्टनरशिप में क्योंकि हर पार्टनर दूसरे का एजेंट है तो एक पार्टनर को नोटिस देना भी काफी समझा जाता है लेकिन उसकी कुछ कंडीशन भी हैं जिनको हमें समझना है तो एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट नोटिस टू फार्मी नोटिस पार्टनर इज इक्वल नोटिस ऑल द पार्टनर एक पार्टनर को नोटिस दिया सारे पार्टनर्स को नोटिस समझा जाएगा इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड नंबर वन मस्ट रिलेट टू दफेयर टू मस्ट बी गिवन टू अ वर्किंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर को देना है स्लीपिंग पार्टनर को नहीं देना नंबर थ्री देर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर रिसीविंग द नोटिस तो अगर आपने जिस आपको ये लगता है कि फर्म ने फ्रॉड किया है और जो पार्टनर उस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व था उसी को आप अगर नोटिस दे रहे हैं तो वो तो इनफ नहीं समझा जाएगा इसको हम अपने स्नेरियो से भी पॉइंट को क्लियर करेंगे खासतौर पे तीसरे पॉइंट को साजिद आबिद एंड माजिद आर पार्टनर इन अ फर्म आबिद एंड साजिद आर एक्टिव पार्टनर्स और माजिद जो है वो स्लीपिंग पार्टनर अ लीगल नोटिस वॉज सर्व बाय वन ऑफ देर कस्टमर टू साजिद तो नोटिस आ गया जी साजिद को एक्टिव पार्टनर को दे दिया और कस्टमर से आया है तो फर्म से रिलेट करता है साजिद डिड नॉट टेल अदर पार्टनर्स वैन द कस्टमर टेक्स फर्दर लीगल एक्शन जैसे फिर कोर्ट में जाते हैं तो आबिद एंड माजिद कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस हालांकि नोटिस तो साजिद को दिया गया था लेकिन नोटिस समझा जाएगा कि साजिद आबिद माजिद तीनों को दिया गया था आबिद एंड माजिद कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस ऑफ द नोटिस एज इट वॉज सर्व ऑन वन ऑफ द एक्टिव पार्टनर तो एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया तो समझा जाएगा कि तमाम पार्टनर को नोटिस दे दिया वो आपस में अगर नहीं भी शेयर करते तो ये उनका मसला है और फिर है जी हमारे पास एक और सिनेरियो अब इसमें थोड़ी सी बात बदल जाएगी जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा

फ्रॉड कमिट ना किया और अगर सारे पार्टनर भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं तो फिर सबको देना पड़ेगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे